अभी हम बनाएंगे मुगलई चिकन। मुगलई चिकन के लिए कढ़ाई में डालेंगे तेल। ये तेल डाल लेंगे और अब तेल को गर्म होने देंगे। इसमें डालेंगे ये चिकन। चिकन बिरयानी के लिए हमने 3 चिकन लिया और साइड से इसका कटिंग मारा हुआ है ताकि चिकन हमारा जल्दी पके और अंदर तक पके। हमारा चिकन गोल्डन फ्राई हो चुका है मुगलई चिकन के लिए। अब गैस बंद कर लेंगे हम और इस चिकन को प्लेट में निकाल लेंगे। अभी मुगलई चिकन के लिए कढ़ाई में डालेंगे 4 मिर्च लाल और इसको रोस्ट करेंगे। ये 4 लाल मिर्च और ये कुछ गरम मसाले इसके अंदर, ये गरम मसाले इसको भी रोस्ट करेंगे। और इसमें काजू, मुगलई चिकन के लिए ये काजू, ये सब को हम रोस्ट करेंगे 2-3 मिनट तक। इसके बाद हम डालेंगे 2 मिनट बाद जीरा, ये अखा साबुत जीरा और ये साबुत धनिया इसमें डालेंगे। ये दोनों को एक साथ फ्राई करेंगे 1 मिनट तक। इस तरह से एक साथ फ्राई करेंगे और ये हमारा फ्राई हो चुका है सारे मसाले। इसको हम इस जार में निकाल लेंगे। इस तरह से इस जार में निकाल के इसको हम पीस लेंगे। मुगलई चिकन के लिए मसाला तैयार करने के बाद हम कढ़ाई में डालेंगे ये तेल। ये तेल हम डाल लेंगे। तेल को हम गर्म कर लेंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है और इसमें डालेंगे हम ये जीरा। ये जीरा डालेंगे और जीरा को हम गोल्डन होने तक पका लेंगे। जीरा हमारा गोल्डन हो चुका है। अब इसमें डालेंगे लहसुन, कटी हुई लहसुन। इस तरह से कटी हुई लहसुन को पका लेंगे और इसके अंदर डालेंगे हम ये कटी हुई अदरक। और अदरक के साथ हम इसमें डालेंगे 1 कप प्याज और इसको हम प्याज के साथ लहसुन और अदरक को पकाएंगे। हमारा प्याज पक चुका है। अब हम डालेंगे इसके अंदर नमक। ये नमक डाल लेंगे हम इसके अंदर और फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप दूध। दूध 1 कप और अब इसमें डालेंगे हम ये जो मुगलई मसाला हमने बनाया था वो मिक्सर के जार में पीस के वो डाल लेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। इस तरह से मिक्स कर देंगे। तैयार हो चुका है हमारा मसाला इस तरह से फ्राई होके। अब इसमें डालेंगे हम ये चिकन जिसको हमने पहले फ्राई किया था गोल्डन करके, चिकन डाल लेंगे और इसको कुछ देर 5-7 मिनट तक पकाएंगे ऐसे ढक के स्लो आंच पे। और ये मुगलई चिकन हमारा रेडी होने को है। अब इसमें डालेंगे कसूरी मेथी जिसको हमने गरम कर लिया था। इस तरह से कसूरी मेथी इसके अंदर डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे बस इतना, और इसको मिक्स करके 1 मिनट तक पकाएंगे। इस तरह से ढक देंगे इसको 1 मिनट के लिए। 1 मिनट बाद ढक्कन हटा लेंगे और ये रेडी है हमारा मुगलई चिकन। गैस बंद कर देंगे और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से रेडी है हमारा मुगलई चिकन।